हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके परिवार सक्सेस अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ा था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम जो है अरब आक्रमणकारी थे और मोहम्मद गजनवी तुर्क आक्रमणकारी थे। और आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, ये भी तुर्क आक्रमणकारी हुए मोहम्मद गजनवी के बाद, ठीक है। लेकिन अब तक जो भी विदेशी आक्रमणकारी हुए मुस्लिम में, उनका सिर्फ भारत में धन दौलत ही लूटना था। लेकिन मोहम्मद गजनवी का मूल उद्देश्य धन दौलत नहीं लूटना था, जबकि भारत में मुस्लिम सत्ता का कायम करना था, ठीक है। मोहम्मद गजनवी के बारे में बता दें तो मोहम्मद गजनवी का जो क्षेत्र था वह अफ़गानिस्तान का क्षेत्र था। अफ़गानिस्तान में गौर क्षेत्र में संसवनी वंश का शासक था, जिस उन्होंने 1173 में शासक बना था। फिर से हम बता दें, मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान में, जो वर्तमान अफ़गानिस्तान है उसमें, अफ़गानिस्तान में गौर देश के संसवनी वंश के शासक बने थे 1173 में, और उन्होंने भारत पर आक्रमण करना 1175 से शुरू किया था। तो पहले मैप को देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। देखिए, यह इंडियन मैप है, जिसमें यहाँ पे दिख रहा होगा अफ़गानिस्तान। यही गौर देश का शासक मोहम्मद गौरी यहीं से भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें मोहम्मद गौरी का पहला जो टारगेट था, पहला टारगेट मुल्तान को बनाया, और सेकंड में वह गुजरात को बनाया। एक गुजरात का क्षेत्र है जिसमें चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय या भीम देव शासन कर रहा था जब मोहम्मद गौरी आक्रमण किया था। तो पहले मुल्तान को जीत लिया था 1175 में, 1173 में शासक बना, 75 में मुल्तान को जीत लिया। और मुल्तान के बाद जो है गुजरात पर आक्रमण 1178 ईस्वी में किया था, बट वहाँ के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, यानी मोहम्मद गौरी की पहली हार हो गई भारत में, ठीक है। फिर आगे जो है, हारने के बाद फिर आगे चल करके इस तरह से मोहम्मद गौरी जो है 1179 ईस्वी में पेशावर को जीता और 1185 ईस्वी में सियालकोट को भी जीत लिया। लेकिन विशेष रूप से हम इस पर ध्यान न दे करके इस तीनों पर निश्चित विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। तराइन की प्रथम लड़ाई, तराइन की द्वितीय लड़ाई और चंदावर का युद्ध, गौरी जो है भारत पर आधिपत्य जमाना इसी युद्ध से हुआ है, तराइन का दूसरे युद्ध से, यानी तराइन का दूसरे युद्ध में भारत में अस्थायी रूप से जगह हासिल कर लिया था, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए हम बता दें आपको, गुजरात में चालुक्य वंश का शासन था, उसी समय अजमेर में जो था चौहान वंश के शासन चल रहा था, चौहान वंश का शासन चल रहा था अजमेर में, ठीक है। और दिल्ली में चौहान वंश का शासन नहीं चल रहा था, लेकिन आपको बता दें कि अजमेर और दिल्ली दोनों मिलाकर के चौहान वंश का शासन था। वह पृथ्वीराज तृतीय के समय में हुआ था, लेकिन उससे पहले नहीं। देखिए, पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान कहा गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी पृथ्वीराज तृतीय के पिता जो अजमेर का शासक थे, यानी चौहान वंश का शासक थे, उनका विवाह जो होता है दिल्ली में अनंग पाल की बेटी से हो जाती है, ठीक है, अनंग पाल की पुत्री से हो जाती है। और इस तरह पृथ्वीराज तृतीय की माता हो जाती है अनंग पाल की पुत्री, यानी पृथ्वीराज तृतीय का नाना हो जाएंगे अनंगपाल, ठीक है, जो दिल्ली के शासक थे। और बता दें कि अनंगपाल की सिर्फ पुत्री थी, पुत्र नहीं थे, इसलिए अगला उत्तराधिकारी अनंगपाल ने पृथ्वीराज तृतीय को बनाया, ठीक है। और इस तरह अजमेर और दिल्ली पृथ्वीराज तृतीय का क्षेत्र हो जाता है, अजमेर से लेकर के दिल्ली तक दिल्ली पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान का नानी घर हुआ, ठीक है। अब देखिए होता क्या चीज़ है, पहले हम गौरी और पृथ्वीराज चौहान इधर जयचंद ये तीनों का रिलेशन समझेंगे। यदि तीनों के बारे में अगर हम जान लें तो निश्चित रूप से हमें तराइन की प्रथम लड़ाई, तराइन की द्वितीय लड़ाई और चंदावर के युद्ध के बारे में जो भी राजनीति हुआ है इस युद्ध में, वो हम समझ जाएंगे। देखिए, इतिहास अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें राजनीति दाँव पेज को समझना बहुत जरूरी है। अगर राजनीति दाँव पेज अगर हम समझ जाते हैं ना, तो इतिहास समझना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। इस भी हो याद करना, चाहे कुछ भी याद करना हो, वो बहुत आसान हो जाता है। देखिए, तराइन या ताड़वाड़ी,
का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया था। ठीक है, यानी जब गौरी जो है पहली बार पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया था तो पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित कर दिया था, है ना। उसके बाद फिर गौरी ने अभ्यास करते रहा, दूसरा टारगेट पर लगा रहा, ठीक है, कि दूसरी बार आक्रमण करेंगे, निश्चित रूप से पृथ्वीराज चौहान को हराना ही है। ये पूरा मूल उद्देश्य था, किसका, एक ही मकसद था मोहन गौरी का कि पृथ्वीराज चौहान को हम किसी तरह से हरा दें। लेकिन समय का इंतजार कर रहा था और युद्ध के लिए सेना के का अभ्यास भी जारी रख रहा था मोहम्मद गौरी। ठीक है, फिर दूसरी लड़ाई होती है, तराइन का दूसरे युद्ध होता है, जैसे 1192 में, जस्ट अगला साल है ना, जिसमें गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हरा देता है, यानी गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बना करके है ना चला जाता है। इसके पीछे कुछ राजनीति है। देखिए 1191 के बाद और 1192 से पहले पृथ्वीराज चौहान, इधर जयचंद की एक पुत्री है जिसका नाम है संयोगीता। ठीक है, संयोगीता, ध्यान से समझिएगा। देखिए पृथ्वीराज चौहान और संयोगीता के बीच में चक्कर चलने लगता है, इसको बोल सकते हैं हम प्रेम प्रसंग, है ना, प्रेम प्रसंग। ठीक है, वे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, पृथ्वीराज चौहान और संयोगीता। ठीक है, और इस बात की खबर जो है जयचंद को नहीं होती है। ठीक है, जयचंद को इस बात की खबर नहीं होती है, लेकिन जब इसको इस बात की खबर पड़ती है जयचंद को, है ना, तो जयचंद को लगता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है हमारी पुत्री संयोगीता का बहला फुसला रहा है। ठीक है, इसलिए अपनी पुत्री संयोगीता का स्वयंवर करवाता है। ठीक है, इस बात की खबर जो है पृथ्वीराज चौहान को नहीं दी गई थी जयचंद के द्वारा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को इस बात की खबर मिल जाती है कि जयचंद जो है अपनी पुत्री का विवाह रचवाया जा रहा है स्वयंवर के माध्यम से, और इसीलिए पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय जो है भरी सभा में संयोगीता का अपहरण कर लेता है। ठीक है, और इससे बड़ा बेइज्जती जयचंद के लिए कुछ नहीं हो सकता है। इवन कोई भी व्यक्ति हो, उसकी पुत्री का उसकी शादी के ही दिन ही अगर अपहरण कर लिया जाए, है ना, अब भरी महफिल में, तो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए जयचंद जो है इसका विरोधी हो गया, किसका, पृथ्वीराज चौहान का। पहले दोनों मित्र थे। बता दे कि जब पहली बार गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था 1191 में, तो उस समय जयचंद भी पृथ्वीराज चौहान की मदद की थी, क्योंकि दोनों मित्र थे, यानी दोनों मिल करके गौरी को पराजित किया था। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बोले तो पृथ्वीराज चौहान का ही नाम आता है, जयचंद का नाम नहीं आता है। लेकिन कहने का मतलब है जयचंद पृथ्वीराज चौहान की पीठ पे था, दाहिने हाथ के रूप में था 1191 में। यही कारण है कि गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान 1191 में जीत जाता है। लेकिन जब दुश्मनी हो जाती है, मित्रता समाप्त हो जाती है ना पृथ्वीराज चौहान की जयचंद से, चूँकि पृथ्वीराज चौहान जो है जयचंद की पुत्री को भागा ले जाता है, इसलिए जयचंद जो है डायरेक्ट गौरी से जाकर के मिल जाता है, गौरी से मिल जाता है। चूँकि गौरी और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे के दुश्मन होंगे। ठीक है, यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ठीक है, और इस तरह से जयचंद गौरी से मिल जाता है, और इधर गौरी जो है 1192 में प्रहार करता है पृथ्वीराज चौहान पर। चूँकि जयचंद जो है गौरी से मिलने के बाद जो है पृथ्वीराज चौहान की सारी कमजोरी बता देता है, और यहाँ तक कि गौरी जो है युद्ध के लिए सेनाभ्यास करता रहता है, और इस तरह जो है सारी कमजोरी जानते हुए गौरी ने 1192 में पृथ्वीराज चौहान पर हमला करता है, और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है पृथ्वीराज चौहान को। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को की हत्या करवा दिया गया था, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसे बंदी बना लिया गया था। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे गौरी का स्थान अजमेर प्लस दिल्ली ये दोनों हो जाएंगे गौरी का। ये कब हो गया, 1192 ईस्वी में हो गया, 1192 में। अब देखिए 1192 में ये हो गया, मैंने दिल्ली और अजमेर को जीत लिया, कौन, यानी चौहान वंश के सभी क्षेत्र को जीत लिया मोहम्मद गौरी। ठीक है, उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। वह युद्ध होने का यह भी रीज़न है
कि जयचंद जो है चंदावर का युद्ध होता है यहाँ पे, हम बता दें कन्नौज के क्षेत्र में गढ़वाल वंश के शासक जयचंद था, गढ़वाल वंश के अंतिम शासक बोलेंगे, चूँकि पृथ्वी गौरी तो इसको मार ही देता है जयचंद को, इसलिए गढ़वाल वंश के अंतिम शासक। और उस तरह चौहान वंश के अंतिम शासक हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय, क्योंकि गौरी जो है पृथ्वीराज तृतीय को मार ही दिया, ठीक है ना। चलो, जयचंद जब इससे मिलता है, गौरी से मिल जाता है, तो गौरी को यह लगता है कि जब जयचंद जो है अपनी पुत्री और दामाद का हुआ ही नहीं तो मेरा कैसे हो सकता है, ठीक है। चूँकि जयचंद, चूँकि गौरी जानता था कि जयचंद जो है ये दोनों मित्र था, तो दोनों मिलकर के तराइन के प्रथम लड़ाई 1191 में मुझे पराजित किया है, तो निश्चित रूप से जयचंद जो है हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वह अपनी पुत्री और दामाद का हुआ ही नहीं, मेरा कैसे हो जाएगा। इसलिए उसने जो है 1194 ईस्वी में गौरी ने जयचंद को भी पराजित कर दिया, 1194 में, है ना, जयचंद को मार दिया गया गौरी के द्वारा, ठीक है। और इस तरह 1194 में जो है कन्नौज को भी जीत लिया 1194 में गौरी ने, ठीक है। यानी गौरी ने दिल्ली, अजमेर और कन्नौज को जीत लिया, ठीक है। इस बात को हम फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, यह अजमेर है, पृथ्वीराज तृतीय का क्षेत्र है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय के पिता जो है कि शादी दिल्ली में हो जाती है अनंगपाल की पुत्री से, अनंगपाल का कोई पुत्र नहीं है, ठीक है। तो उस तरह आगे चल करके अनंगपाल जो है अपना नाती यानी पृथ्वीराज तृतीय को अपना उत्तराधिकारी बनाता है, और इस तरह अजमेर और दिल्ली मिला करके चौहान वंश का राज हो जाता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये राज फैल जाता है चौहान वंश का, पृथ्वीराज तृतीय का। और गौरी का जो है मूल उद्देश्य सबसे पहले किस पर आक्रमण करना था इधर भारत में, तो दिल्ली पर, क्योंकि भारत का पूरा केंद्र है दिल्ली, और दिल्ली पर आक्रमण करने का फैसला लिया और 1191 में पृथ्वीराज तृतीय पर हमला किया 1191 में। लेकिन गौरी जो है 1191 में हार गया, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय के साथ जयचंद भी था, है ना, और गौरी को हरा दिया, ठीक है। और 1192 में फिर दूसरा लड़ाई होता है, और दूसरा लड़ाई गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। कारण क्या था, तो कारण यही था कि पृथ्वीराज चौहान जो है जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम कर रहा था, है ना, और यह प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी मिल जाती है जयचंद को। जयचंद अपनी पुत्री का विवाह रचाने के लिए स्वयंवर का व्यवस्था करता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की इस बात की खबर लग जाती है, और पूरी भरी महफिल में इसकी पुत्री संयोगिता को अपहरण कर लिया जाता है, और जयचंद को इस बात का सबसे ज़्यादा दुख था, है ना। और इसी दुख के कारण जो है जयचंद की दुश्मनी बदल गई पृथ्वीराज चौहान से, और जयचंद जो है गौरी से जाकर मिल गया, और जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान की सारी कमजोरी गौरी को बता दिया, और गौरी जो है इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए 1192 में पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उसे कैद कर लिया गया, ठीक है। और 1194 में गौरी जो है, देखिए गौरी का तो मूल उद्देश्य भारत में कैसे अपना क्षेत्र बढ़ाएं, ठीक है, सिर्फ यही उद्देश्य था। चूँकि दिल्ली जीतने के बाद उसको लगा कि हम पूरे भारत को हम जीत सकते हैं, और इस तरह 1194 में जो है चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद को हरा दिया, और जयचंद को हरा करके पूरे कन्नौज का क्षेत्र किसका हो गया, गौरी का हो गया। कन्नौज पर गढ़वाल वंश के शासन चल रहा था, ठीक है, गौरी का हो गया। चूँकि मोहम्मद गौरी यह सोचता था कि जो है जयचंद जो है अपनी पुत्री और दामाद का हुआ ही नहीं तो मेरा कैसे हो सकता है, इसलिए 1194 में जो है इसको हरा दिया गया। क्योंकि 1191 में जो है पृथ्वीराज तृतीय की मदद किया था जयचंद ने, इसलिए तो हारा था गौरी ने भारत पे अपना अधिकार जमाया दिल्ली से लेकर के कन्नौज तक, ठीक है। देखिए इसको पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम रिविजन कर लेते हैं। देखिए, मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में गौर देश का शासक बना, गौर देश यहाँ पर है अफगानिस्तान के क्षेत्र में, 1173 में बना, ठीक है। फिर आगे मूल उद्देश्य क्या था, भारत पर मुस्लिम सत्ता का कायम करना था, है ना। प्रथम आक्रमण किया था 1175 में, है ना, किया, जिसमें मुल्तान को जीत लिया, मुल्तान बोले तो ये जीता, ये वाला क्षेत्र जीत लिया, है ना, यहाँ पे मुल्तान है पाकिस्तान के क्षेत्र में। उसके बाद 1179 में पेशावर को जीता और 1185 में सियालकोट को जीत लिया। 1178 में गुजरात के पाटन में भीम द्वितीय ने गौरी को पराजित किया, यानी 1178 में जो है मुल्तान के बाद हमला किया था गुजरात में, और गुजरात में चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय या भीमदेव था, जिसने गौरी को हरा दिया था। यानी गौरी की पहली हार कहाँ हुई थी, गुजरात में हुई थी, 1178 में हुई थी, ठीक है। अब देखिए तराइन
का प्रथम युद्ध या तारवाड़ी का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया, ठीक है। उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, जिसमें गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है, हरा देता है। पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है गौरी, क्योंकि गौरी को पृथ्वीराज चौहान की सारी कमजोरी पता चल जाता है, किसके द्वारा, जयचंद के द्वारा, ठीक है। और उसका चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, जिसमें गौरी ने जयचंद को हरा करके और कन्नौज क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, या कन्नौज जो है यूपी में है, ठीक है। फिर देखिए, इस तरह गौरी ने मुल्तान को जीता, पेशावर को जीता, सियालकोट को जीता, फिर दिल्ली जो जीता है, अजमेर सहित जीता है दिल्ली, ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है, एवं कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अंततः गौरी ने भारत के सभी विजित प्रदेशों को अपने गुलाम या दामाद, अपने गुलाम या दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर वापस चला गया। देखिए, हम आपको बताते हैं, जो घटना जयचंद के साथ घटा था, वही घटना गौरी के साथ भी घटा। गौरी की भी एक पुत्री थी, और चूँकि गौरी जो है बीच बीच में भारत के राज्य जो है उसके सेनापति को सौंप करके अपने राज्य चला जाता था, ठीक है। इस तरह गौरी जो है अंतिम बार 1205 ईस्वी को अफगानिस्तान गया था अपने राज्य, ठीक है, भारत से 1205 में अफगानिस्तान गया था अपने राज्य, और वहाँ से वापस आ रहा था, तो रास्ते में खक्खर जनजाति से उनका संघर्ष हुआ था, और गौरी ने खक्खर जनजाति को हराया था भी था। लेकिन खक्खर जनजाति इस हार के दुख में इंतजार कर रहा होता है कि मोहम्मद गौरी कब फिर वापस अपने राज्य आएगा, तो हम उसे निश्चित रूप से ख़त्म कर देंगे, ठीक है, खक्खर जनजाति, ठीक है। गौरी की एक पुत्री थी, पुत्री का प्रेम जो है गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक से चलने लगता है, ठीक है, और इस बात की भनक जो है गौरी को मिल जाती है, लेकिन गौरी जो है इस बात से नाराज़ न होकर के राज़ी होकर के दोनों को विवाह रचवा दिया जाता है, और गौरी यानी अपने दामाद को पूरे संपत्ति, भारत में जो भी जीते गए क्षेत्र है वो सब किसको दे देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक उसको दे देता है, ठीक है, और 1206 में वापस लौट जाता है। तो हमने अभी तुरंत बताया आपको कि 1205 में जो है गौरी जो है अंतिम रूप से अपने राज्य गया था और फिर भारत आया था, यानी अंतिम रूप से भारत फिर कब आया था गौरी, 1205 में आया था जाने के बाद, और उसी दरमियान जो है रास्ते में खक्खर जनजाति से संघर्ष हुआ, तो खक्खर जनजाति ने मोहम्मद गौरी ने खक्खर जनजाति को पराजित किया, ठीक है। इसलिए खक्खर जनजाति जो है सीमावर्ती क्षेत्र का, ये देखिए ये भारत की सीमावर्ती क्षेत्र है, यही सीमावर्ती क्षेत्र में खक्खर जनजाति उसमें पाई जाती थी, और खक्खर जनजाति इंतजार करता है कि मोहम्मद गौरी कब इधर जाएगा। तो 1206 में जो है गौरी जो है अपने दामाद यानी दामाद या गुलाम या सेनापति बोल देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरे भारत की संपत्ति यानी जमीन उमीन सब दे करके भारत में जितने भी जीते हुए प्रदेश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिए, और गौरी जो है 1206 में अपने राज्य की ओर प्रस्थान हो गए। 1206 में रास्ते में दमयक नामक स्थान पर, वह सीमावर्ती क्षेत्र ही है, दमयक नामक स्थान पर है ना, रास्ते में 15 मार्च 1206 ईस्वी को दमयक नामक स्थान पर खक्खर जनजाति द्वारा जो है गौरी की हत्या कर दी गई, यानी कर दी जाती है। गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है, दिल्ली पर करता है, ठीक है। और इस तरह से अगला जो टॉपिक होगा हमारा दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, और दिल्ली सल्तनत में जो भी वंश आएंगे उसके बारे में जानेंगे, ठीक है।